आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राशिद सर्विस सेंटर में और आ जाइए मशीन में एक फिर कुछ नया सा आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको क्या दिखाएंगे आपको मशीन में, जो हमारी मशीन आप देख सकते हो, छोटी मशीन में या बड़ी मशीन में ज़्यादातर ये कमी आती है कि एकदम ये गिर जाता है, रुक नहीं पाता है ये चीज़। तो इसको, यही पुराने पुर्जों को कैसे इसको रोकना है, कैसे ये क्लियर हो जाए ताकि ये गिरे नहीं, सही हो जाए, तो ये चीज़ आपको दिखाएंगे। ये लिफ्टर जो होता है, और अभी शेरू अहमद पालामऊ झारखंड से, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट की थी, उन्होंने कमेंट की थी कि नाल का पेंच अगर स्लिप हो जाए तो उसको क्या करना है। तो ब्रदर, आपके लिए भी वीडियो है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे और फिर खोलने के बाद इसका पैरगज जो है वो बाहर निकाल लेंगे, ताकि आपको बताने में और दिखाने में, समझाने में और आसानी हो जाए। देखिए दोस्तों, ये हमने निकाल लिया है। तो थोड़ी कमी क्या होती है फ्रेंड, देखिए ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी कटा हुआ है, देख सकते हैं आप ये, और ब्रैकेट जो हमारा ये कटा हुआ है, इसको भी ठीक करना। और ये जो है हमारी, इसकी ये नोक भी इसकी कट जाती है, ये चीज़ देख सकते हो आप, ये कट जाती है। तो इसके लिए भी हमें इसको भी सही करना, और ये भी बताते हैं आपको कैसे सही करना। तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या है फ्रेंड, इसको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। यहाँ पिन होती है इस तरीके से, कोई सुम्बी टाइप लगाएं और अपने इसको बाहर निकाल लें। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ मैंने बाहर निकाल ली है। अब इसका ये जो पैल होता है फ्रेंड्स, ये कट जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक पैल होता है इसका, ये यहीं इतना ही कटता है। तो इसको जैसे यहाँ से यहाँ तक कटता है, इसी को हमें सही करना है। तो इसको कैसे सही करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसको हथौड़ी से इस तरीके से, देखिए इधर को दिखाओ, देखिए फ्रेंड्स, अच्छी खासी ये हमारी उठ चुकी है, क्योंकि इसकी नोक ये इतनी ही कट हुई थी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो मैंने कहाँ कहाँ हथौड़ी लगाई है इस पर, इसी तरीके से ये आप इसको पीटेंगे, ठोकेंगे, तो ये दबाते हुए बढ़ जाएगी, आगे को बढ़ जाएगी। तो अब इसका और देखिए, और क्या दिखाना है इसका। और फ्रेंड्स, ये दबाने के बाद अपनी बांक पर रख के इसको इस तरीके से थोड़ा सा इधर को मोड़ लें इसको इस तरीके से, और तो ये जो है थोड़ा बारीक हो जाती है, इधर को मुड़ जाएगा तो सही रहेगा। और फिर इसके बाद इसको आपको इस तरीके से इकसार कर लें, इसको बढ़िया कर लें थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपको कहां से कहां तक रहती चलानी है, यहां से और यहाँ तक, ताकि ये एक सार रहे, दबे नहीं। और अब आपको दिखाते हैं हम ब्रैकेट। और दोस्तों देखिए, ये जो हमारा ब्रैकेट जो ये कटा हुआ है, ये इसको भी आप इसी तरीके से बांध पे लगाएं,
या काउंटर पे ही रख के घिसने। और इसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए, हमने ये कटा हुआ हिस्सा जो था ये घिस लिया और आड़ा ही घिसें, इसको सीधा ना कर दें, बिल्कुल आड़ा ही होता है ये, देखिए ये हिस्सा आड़ा ही होता है, आड़ा ही घिसें इसको। और चलिए फ्रेंड्स अब दिखाते हैं आपको इसको फिट करके। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, इसी तरीके से आपको ये हिस्सा दबा करके बढ़ाना है और फिर इस पर रेती लगानी है, एक सार करना है, फिर इसको आप इसी तरीके से इसको वापस इसको इसी बॉडी में फिट कर लें। और ध्यान रहे इसमें पिले ज़रूर हो, ये रुके नहीं, कहीं भी अटके नहीं, पिले होना चाहिए इसमें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। और चलिए अब ब्रैकेट जो घिसा था, और फ्रेंड्स मैंने अभी जो निकाला था यहाँ बिना लाग लगाए निकाला था इस तरीके से अभी चुंबी से, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, यहाँ निहाई की इस तरीके से ये देखिए, ये जो अड्डी जो है इसकी यहाँ इस तरीके से निहाई लगाएं, तब इधर से चुंबी लगा करके अपना इस तरीके से तब इसको ठोंकें, ये देखिए ये इस तरीके से तब ठोंके, नहीं तो बॉडी अगर कमज़ोर हुई तो बॉडी आपकी यहाँ से टूट जाएगी, और फिर जब बाद में आपको ठोकना हो तो यहाँ निहाई लगाएं, यहाँ पर तब ठोंकें, नहीं तो बॉडी कमज़ोर होने पर टूट जाएगी। फिलहाल बॉडी मजबूत थी, मैंने चला दिया थोड़ी इस पर। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ये हमारा हिस्सा कामयाब हुआ या नहीं। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, ज़्यादातर गजों को नीचे की साइड निकालें, मैंने ऊपर निकाला है, ऐसा ना करें, पटली दांत सटल छोटा थोड़ा निकाल करके नीचे को ही निकालें, क्योंकि उसकी बूट की सेटिंग भी आपकी ख़राब हो सकती है, इसलिए आप नीचे जहाँ तक कोशिश करें कि नीचे को ही निकालें। तो देखिए फ्रेंड्स अब उस टाइम ये रुक रहा था, अब नहीं रुकेगा क्योंकि ये हमारा खांचा जो है बढ़िया हो गया है, देख सकते हो आप, अब ये बेहतर हो गया है, अब ये नहीं रुकेगा, क्योंकि जो कट जाते हैं तो पूरा नहीं रुक पाता है, तुरंत गिर जाता है इस तरीके से एकदम, अब ये आपका नहीं गिरेगा, इसे कुछ ताकत लगाने के बाद ही ये इस तरह से गिरेगा, क्योंकि ये हमने इसकी नोक बढ़िया कर दी है। और देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बेहतरीन रुक रहा है, कोई कमी नहीं है। एक चीज़ और इसी के मुतालिक से आपको बताऊँगा, तो चलिए लगे रहें, बने रहें वीडियो में साथ। फ्रेंड्स एक चीज़ और दिखाऊँ, देखिए ये ब्रैकेट जो है हमारा, देखें दोस्तों ये ब्रैकेट जो है हमारा पूरा नहीं बैठा है, गैप है इसमें, ये भी कमी है इसमें, ये इसको कैसे सही करना है ये देखिए, ये भी आपको अभी बताता हूँ लगे हाथों साथ ही साथ। फ्रेंड्स अब ये गज हमारा टेढ़ा था, मैंने गज टेढ़ा था, मैंने लूज किया है इसलिए आराम से चल रहा है इसमें। अब ये जो ब्रैकेट जो टकरा रहा है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ देख सकते हो आप निशान है, हल्का सा यहाँ पर ये निशान है, हल्का सा यहाँ टकरा रहा था, तो इसको कैसे सही करना है ये भी दिखाते हैं आप। तो दोस्तों उसको सही करने के लिए ब्रैकेट को बांक में दबाएं और इस तरीके से आरी से हल्का सा कट लगाएं, ताकि ब्रैकेट के बराबर बराबर रह सके ये, या अपना इस तरीके से रेती से बाद में देखिए फ्रेंड्स ये कट मैंने लगा लिया है, दिखाते हैं आपको बांस में लगा। शुरू में आपने देखा था गज को काफ़ी मेहनत से मैंने ऊपर को उठाया था, क्योंकि नीचे से गज बूट के जरिए बूट की सेटिंग बिठाने के लिए गज को टेढ़ा करा जाता है कभी किधरी को, तो इसलिए नहीं निकल पाता है। देखिए फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल चिपक के बैठ चुका है, देखिए दोस्तों उस टाइम काफ़ी हटा हुआ था, और अब ये आपका जल्दी नहीं गिरेगा। तो दोस्तों देखिए अब ये जल्दी नहीं गिरेगा, ताकत लगाने पर ही गिरेगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। तब आपको नाल के बारे में बताते हैं, और एक हमारे फ्रेंड्स हैं शेरू अहमद पालामू झारखंड से हैं,
उन्होंने नाल के बारे में अभी कुछ घंटे पहले वीडियो मांगी थी, तो उसकी वीडियो आपको बना कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नाल है हमारा। इस नाल में उन्होंने पूछा था कि ओवर साइज पेच आता है क्या आता है, तो सॉरी भाई कोई ओवर साइज पेच नहीं आता है। इसी को चूड़ी बना करके सुराख करके चूड़ी बनाना होती है। दोस्तों देखिए इसको हमें किस तरीके से, ये जो हमारा बटा बर्मा जो है, जो हमारा नाल का पेंच होता है उतना मोटा बर्मा है, और ये इसी से सुराख जो देखिए इसमें सुराख है या आर इसी यही वाले पेंच है इसमें, और यही पेंच को आर पार सुराख करके इसको आर पार कर लें ताकि आपका पेंच इसमें आराम से बैठ जाए और चूड़ी बना सकें आप। इसको पेंच को आर पार ही करना है आपको, ध्यान रहे, और ये नाल दूसरे किसी भाई से पकड़वा लें, नहीं तो ये इस तरीके से देख सकते हो आप ऐसे भागने लगा है जब थोड़ा सा सुराख रह जाता है उन्हें को। ये आराम से चलाएं इसको बहुत ही। अब देखिए यार पार हो चुका है हमारा नाल पेंच सुराख, देख सकते हो आप फ्रेंड्स। ये देखिए देखिए आप देख सकते हो, मैं उंगली लगा के दिखा रहा हूँ आपको इसी तरीके से। और अब ये बर्मा जो है, ये टब जो है, हम इस टब को इसमें लगा करके चूड़ियाँ निकाल लेंगे और इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाएं। तो फ्रेंड इसी तरीके से टब चलाएं आराम से और इसमें चूड़ियाँ निकाल लें, और टब को बहुत आराम से चलाएँ, ज़्यादा इस पर ताकत ना दिखाएँ, नहीं तो ये आपका टब टूट जाएगा, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी पहले से ही टब ये टूटा हुआ है। और एक सार आराम से चलाएँ, तो देखिए इसी तरीके से आपको फ्रेंड्स चूड़ियाँ बनानी होती हैं इसमें। और बाकी इसको चूड़ियाँ बना करके इसमें आपको पेच कौन सा कसना है ये भी आपको बताएंगे कि ये इसमें पेच कौन सा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये चूड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। और अब देखिए दोस्तों ये इसमें पेच जो लगता है वो भी आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, बहुत ही ईजी पॉइंट है। देखिए ये वाला पेच नाल का जो होता है फ्रेंड, यही पेच आपको इसकी जो चूड़ियाँ हमने नाल की बनाई हैं इसमें लगेगा, यही पेज चलेगा। अब जो उसका पहले से जो पेज था वो नहीं चलेगा, यही पेज चलेगा इसमें। तो फ्रेंड्स और शेरू अहमद साहब, उम्मीद करता हूँ आप मेरी दी हुई जानकारी को समझ चुके होंगे, और समझ गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी। इंशाल्लाह आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो भेजूंगा, जो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे पसंद आएगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जिसमें हम जुग्गी मशीन का सामान, कुछ सामान जैसे बूट, पटली, दांत, सटल, ये सारे आइटम अम्ब्रेला मशीन में कसेंगे। और आपको अगर ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो चाहिए, तभी मैं अपलोड करूँगा, नहीं तो अपलोड नहीं की जाएगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, और इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड देखिए जुग्गी मशीन के सडल में और अम्ब्रेला मशीन के सडल में कितना गैप होता है। जुग्गी मशीन का सडल का सडल रॉड मोटी होती है, और अम्ब्रेला मशीन की सडल रॉड थोड़ी बारीक होती है। तो दोस्तों अगर आपको इसी मशीन पर वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, बताएं। और हाँ, अम्ब्रेला मशीन की मैं जुग्गी मशीन का बूट, पटली, दांते, सटल ये सारी इसमें कसूंगा और आपको दिखाऊंगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तभी वीडियो आएगी। और फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए थैंक्स फॉर शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग।